ओम शांति। आज की तारीख है 18/4/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे, आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया है। अब तुम बाप की शरण में आए हो, तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत रख, माया जीत जगत जीत बनना है। प्रश्न है, संगम युग पर भगवान को भी कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर है, आत्मा रूपी मैले कपड़ों को साफ करने की मेहनत भगवान को करनी पड़ती है। तुम बच्चे बाप के पास आए हो अपने पापों का खाता साफ करने के लिए। जितना देही अभिमानी बन बाप को याद करेंगे, उतना विक्रमाजीत बनते जाएंगे। अगर बुद्धि का योग बाप के सिवाय और किसी के संग जोड़ो तो भस्मासुर बन जाएंगे। इसलिए श्रीमत पर चलते चलो। गीत बजा है, ओम नमः शिवाय, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, तन मन और धन से भारत की सेवा कर इसे स्वर्ग बनाना है, माया दुश्मन से लिबरेट करना है। नंबर दो, देही अभिमानी बनने के लिए देह सहित सब कुछ भूलना है, जो भी पुराने कर्मों का खाता है उसे योग बल से साफ करना है और विकर्मा जीत बनना है। वरदान सतगुरु बाबा का, एक बाबा की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं, जिस समय कोई कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, चाहे बोल की, चाहे संस्कार स्वभाव की, तो यही कहते हो कि मेरा विचार ऐसे कहता है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन जो बाप का संस्कार सो संकल्प मेरा, जो बाप का संकल्प सो मेरा, तो समर्थ की निशानी ही है बाप समान। तो संकल्प बोल और हर बात में बाबा शब्द नेचुरल हो और कर्म करते करावन हार की स्मृति हो, तो बाबा के आगे माया अर्थात कमजोरी आ नहीं सकती। स्लोगन है, जिसके पास गंभीरता की विशेषता है उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।